दोस्तों आज का टॉपिक है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कहने का मतलब कार्बोनिल का सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें डिटरमाइन करना है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2 1/2 πC अंडर रूट के बाई म्यू, ये 2K/μ, जहाँ पे के बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा के का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, और के का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। और ये म्यू जो रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है कि रिड्यूस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखते हैं कि CO जो होता है अगर फ्री है, कोई कंपाउंड में नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो उसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन CO अगर प्लस है, कहने का मतलब है कि इसका मास थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, तो 2184 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। मतलब इस थोड़ा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO फ्री से बढ़ जाता है, क्योंकि रिड्यूस मास कम होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और जो कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होता है अगर उसमें CO टर्मिनल में है, मतलब डायरेक्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2120 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। अगर CO ब्रिजिंग में है, ब्रिजिंग के रूप में जुड़ा हुआ है, ब्रिज के रूप में जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1750 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करते हैं कि किसका ज़्यादा है और किसका कम। तो टाइटेनियम CO6-2-, वेनेडियम CO6-, मैग्नीज CO6+, एंड CrCO6- है ये। तो मैं बोलता हूँ कि C का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, उसके बाद D का होगा, फिर B का होगा, फिर A का होगा। बट कैसे? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सिग्मा डोनर और पाई बैक बॉन्डिंग। सिग्मा डोनर कहने का मतलब है अगर CO जो होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल को, तो उसे सिग्मा डोनर बोलते हैं, उसका सिग्मा डोनर प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन अगर मेटल डोनेट करे CO को, तो उसे पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं, पाई बैक बॉन्ड प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये CO दोनों टाइप का प्रॉपर्टीज रखता है। तो मैं बताना चाहूँगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/πbonding। मतलब पाई बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होते जाएगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा कब होगा, चांसेस कैसे बनेगी। तो पाई बैक बॉन्डिंग तभी बनेगा जब कोई मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तभी वो CO को डोनेट कर पाएगा। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास बढ़ते जाता है तो पाई बैक बॉन्डिंग की चांसेस बढ़ जाती है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखें मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इस केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में 2- है, कहने मतलब टाइटेनियम में 2- है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मतलब पाई बैक बॉन्डिंग की चांसेस बढ़ जाती है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम हो जाता है, क्योंकि इसमें 1- है तो इसमें भी चांसेस है, लेकिन इसके कंपेरिजन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 2- है। उसके बाद न्यूट्रल वाले आएगा, क्योंकि न्यूट्रल है इसमें भी चांसेस है पाई बैक बॉन्डिंग का, तो D। लेकिन प्लस ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, डेफिशिएंट हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने में उतना अच्छे से नहीं है जितना एक्सेप्ट करने में है, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, MnCO6+ CO H3O+ डोनेट कर रहा है CO, एंड वेनेडियम CO6-। सबसे पहले पता चल जाता है आपको माइनस है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ गया है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, कहने मतलब है कि पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। अब पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ने के कारण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो 4 का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कैसे, क्योंकि दोस्तों ये तो फ्री जो CO होता है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेकेंड नंबर पे है। सबसे पहले देखेंगे H3O+ CO। CO इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि ये इसको डोनेट कर रहा है, मतलब इसमें कोई पाइप बैक बॉन्डिंग का चांसेस ही नहीं है, मतलब इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका कम होगा ही नहीं, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद CO जो फ्री है उसका होगा, लेकिन इसमें Mn+ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, लेकिन इन दोनों कंपेरिजन में थोड़ा सा इसमें चांसेस होगा पाई बैक बॉन्डिंग ऐसा मान सकते हैं, इसलिए इसका थर्ड पोजीशन है। और इसमें तो
पाई ब्रेक बॉन्डिंग होगा ही होगा, इसके कारण ये फोर्थ पोजीशन है। तो बस आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप सीओ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुक्रम में लिखिए, तो आप ध्यान दीजिए पाई ब्रेक बॉन्डिंग। पाई ब्रेक बॉन्डिंग कहने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज कि मेटल पे किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इतना ज़्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पाई ब्रेक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो मैं पाई ब्रेक बॉन्डिंग का रीज़न बताना चाहता हूँ कि कैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होता है। जैसे आप देखते हैं कि मेटल जो होता है डोनेट करता है सी ओ को, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बॉन्ड रिजल्ट ट्रांसफर होकर ओ माइनस में हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड जो होता है पहले लॉन्ग था, लॉन्गर था, अब वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। पहले सिंगल बॉन्ड करेक्टर था जिसके कारण वो बॉन्ड थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन अब जो होता है बॉन्ड वो छोटा हो जाता है और ये इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है कंपेरिजन टू इसके, क्योंकि ये पहले ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा था, बहुत बॉन्ड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ था, लेकिन अब कंपैरिजन कम हो जाता है। और जब इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, कहने का मतलब है कि के का वैल्यू कम हो जाता है, तो म्यू का वी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी कम हो जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसलिए पाई ब्रेक बॉन्डिंग के केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, क्योंकि इसका ये एम सी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सी ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और सी ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है।